लेक्चर की सुनते हो वहां पे, तो घर जाके ना पढ़ोगे ना पास तो तब भी हो जाओगे, और आपको पास के लाले पड़े हुए हैं। तो आज से ही एक एक मिनट आपने यूज करनी है। अब कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है ना, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो तब होगी जब यहाँ से कोई आईएएस बनेगा, यहाँ से कोई डॉक्टर बनेगा, यहाँ से कोई इंजीनियर बनेगा। हम भी ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, ऐसे बैठते थे, लेकिन क्लास में 35 मिनट पढ़ते थे सर, एक क्वेश्चन करवाते थे, हम 10 करके आते थे। अगला दिन निकालना मुश्किल हो जाता था कि जैसे ही लेक्चर आएगा सबसे पहले ए का मान मैं बताऊंगा, बी का मान मैं बताऊंगा, सी का मान मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। वो तो जज्बा एक भी बच्चे में नहीं है, और कम से कम 100-150 बच्चों में तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। और लाइफ की ब्यूटी क्या है, जीरो से शुरू करो, इंफिनिटी तक पहुंचो आप, यही तो मैथमेटिक्स का यूज है। जीरो से शुरू करो, जीरो से भी शुरू कर सकते हो आप। अब तक कोई ऐसा बच्चा हो ना जिसने आज तक कुछ नहीं किया, वो भी कर सकता है। 2 महीने है, 2 महीने लगाओ, फटाफट किताबें निकालो, सारा दिन पढ़ो, सारे सर यहां है। कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो वेकेंट हो। है समय नदी की धारा जिसमें सब जन बह जाया करते हैं, कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे इतिहास बनाने वालों में से बनो आप, इतिहास बना के दिखाओ मेरे को। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से ही सभी बच्चे एक जज्बे के साथ दिन रात मेहनत करेंगे, और किताबों के अलावा अब उनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपके मम्मी आपको पुकार रही है, आपको 10 बार में सुनना चाहिए कि वो बोल रही है। आप किताबों में इतने डूब जाओ। 2 महीने हमने युद्ध की तरह तैयारी करनी है, और एक जज्बे से फिर युद्ध लड़ेंगे हम, एग्जाम का युद्ध, और विजय प्राप्त करेंगे। करोगे ना सभी? थैंक यू बेटा।